जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए, 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार के टैक्सेस में, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा है। दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंजन है। दिल्ली हर साल 2,00,000 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा सीजीएसटी यानी जीएसटी का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया, यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा, 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे कि उसका एक एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, दिल्ली की साफ सफाई और सौंदर्यकरण को दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48,00,000 करोड़ का है, तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया।